स्टूडेंट स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टेंथ में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का मंथली एग्जाम का 25 सितंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 25 सितंबर को क्लास 10 का मैथ में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका ये जो है ना क्लास 10 का गणित का विषय है और प्यारे बच्चे आपका विषय कोड 110 है। प्यारे बच्चे, आपका डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूं, तो आप सारे बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। प्यारे बच्चे, आप लोग जाकर वहां से ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका क्या पूछा गया है कि 240 और 1032 का आभास गुणनखंड से मौसो ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है इनमें से मौसो ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, HCF। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तथा उनका मौसो 6 हो तो लॉसो ज्ञात करें। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का लॉसो ज्ञात करने बोल रहा है, तो आप सारे बच्चे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, दो संख्या गुणनफल चलिए उसका आंसर मैं बताऊंगा अभी। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 70 तथा 18 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 1001 से आभास गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें। आपका पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो क्रमशः 7 तथा 42 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे तो क्वेश्चन देख लिए, आप सारे बच्चों को और भी क्वेश्चन था मेरे बच्चे, मैं उसमें थोड़ा नहीं डाल पाया हूँ क्वेश्चन को, तो आप सारे बच्चे आंसर की देख लीजिए, मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 240 का आभास गुणनखंड देखिए, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 240 का आभास गुणनखंड हो गया, तो 2 × 4 × 3 × 5 हो गया। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो है ये कितना हो गया, तो ये जो आपका हो गया तो ये 32 का देखिए, ये तो आपका हो गया किसका, तो ये आपका 240 का हो गया। अब एक है 32 का देखिए, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 43 ये आपका क्या हो गया, तो 2 × 3 और 3 × 43 ये आपका क्या हो गया बच्चे, तो पहला नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आप सारे बच्चे देख लीजिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुने मौसो। पहली संख्या गुनी गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो देखिए प्यारे बच्चे आपका, तो पहली संख्या क्या है आपका, तो पहली संख्या आपका जो है ना, पहली संख्या देख लीजिए आप लोग क्या, 1096 है, ठीक है, बराबर 6 × 8 × लॉसो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पे काट दीजिए डायरेक्टली, कट गया यहाँ आपका, तो कितना से कट गया, तो ये आपका 216 से कट गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए प्यारे बच्चे आपका, चलिए आगे जो आपका ना ये लॉसो कितना निकल गया आपका, तो ये लॉसो जो है प्यारे बच्चे आपका कितना निकल गया, तो आपका लॉसो बराबर 216 जो है ना आपका ये आंसर हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तीन नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो आपका भाजक क्या है प्यारे बच्चे, तो आपका दिया हुआ है 19 × 17 + 18, तो आपका जो है गुना करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो है प्यारे बच्चे इसका आंसर 341 आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ पे 1001 का आभास गुणनखंड देखिए, 7 × 11 × 13 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चे आपका पांच नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल मौसो गुने लॉसो हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 × 42 बराबर क्या हो जाएगा, तो 294 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका छह नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो 0.45 पर बार है प्लस 0.27 है, ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको करना क्या है, तो 0.54 पर बार है ना, तो आपको क्या करना है, तो प्यारे बच्चे इसमें देखिए, इसमें आपको जो है पहले पॉइंट को हटाना है, ठीक है, पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ बार के नीचे में क्या हो जाएगा, तो 9 और 1 संख्या है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, 41/ कितना हो गया, तो 90 हो गया, प्लस 27/99 हो जाएगा, ठीक है, दोनों संख्या पर यहाँ पे बार था इसलिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे इसको काटेंगे, काटने के बाद डायरेक्टली मेरा आंसर कितना हो जाएगा आप लोग वो देखिए, ठीक है, कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे, चलिए आपका कैलकुलेशन तो ये क्या हुआ ना, अच्छा प्यारे बच्चे आपका कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हुआ, तो आप लोग जो ना थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिए कैलकुलेशन, जितना आंसर होगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको तो मैं
बता ही दिया हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सात नंबर जो क्वेश्चन है मेरा बच्चा आपका क्या है कि 0.16 का एक एक छः पर बार है, तो माना कि एक्स बराबर 0.1666 समीकरण एक हो गया, डॉट समीकरण एक हो गया, तो दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा, करने पर 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.6666 समीकरण दो हो जाएगा। तो समीकरण दो माइनस एक से तो देखिए 9x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.5 बटे का 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा प्यारे बच्चे, तो आगे देख लीजिए आप लोग, तो सात का जो आगे जो है ना, तो देखिए प्यारे बच्चे आपका 9x बराबर क्या हो गया आपका, तो जी हाँ इसका राइट आंसर हो गया आपका प्यारे बच्चे, आपका कितना हो गया, तो x बराबर आपका 15 बटे 9 हो गया, तो 3 × 9 = 15, मतलब आपका x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है यही आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है, चलिए क्या आपका, तो -4.4 भू जो है ना आपका -4 इसमें होगा और कोटि आपका 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए दूरी निकालने बोला आपका 9 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोला, तो दूरी निकालने बोल रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले बच्चे देखिए तो एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441 जोड़ेंगे तो 841 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है पहले बच्चे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पहले बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर, चलिए -4.5 द्वितीय चतुर्थांश में है, -4.5 की चतुर्थांश में है, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अब देखिए 4.-5 चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, ये आपका 10 नंबर का आंसर हो गया। चलिए तो मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना क्लास 10 का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर नाम लिख के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे। मेरे बच्चे जिस तरह से आपको हर एक मंथली एग्जाम में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलता है प्यारे बच्चे, इस बार भी उसी तरह से सेम टू सेम आपको मिलने वाला है, तो आप सारे बच्चे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे ऐड हो जाइए, आप सारे बच्चों को बिल्कुल मिल जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।